दिल्ली मेट्रो में साड़ी फंसने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला अपने 10 साल के बेटे के साथ मायके जा रही थी। नागलोई से मेट्रो लेने के बाद वो इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पहुंची और वहां से दूसरी मेट्रो में बैठने लगी। इसी दौरान मेट्रो के गेट में महिला की साड़ी फंस गई। इसी दौरान मेट्रो चलने लगी और महिला काफी दूर तक प्लेटफार्म पर घिसटती रही। इस घटना से महिला के सिर में भारी चोट लग गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये मंजर महिला के 10 वर्षीय बेटे के सामने हुआ। इससे वह सहम गया। परिवार वालों ने बताया कि महिला का नाम रीना है और उसके 2 बच्चे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि रीना दिन में घरों में साफ सफाई का काम करती थी, शाम को सब्जी की रेहड़ी लगाती थी। पति की मौत के बाद से वो अकेले पूरे घर का खर्च चलाती थी। उसकी मौत के बाद दोनों बच्चों का अब कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। वो कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। बेटा 6ठी और बेटी 8वीं क्लास में पढ़ती है। फिलहाल पीड़ित परिवार सरकार और दिल्ली मेट्रो से दोनों अनाथ बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगा रहा है, ताकि बच्चों की परवरिश हो सके। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच करने से साफ हो पाएगा कि घटना कैसे हुई।